बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। इससे पहले मैंने काफी सारी फिश तरीके आपसे शेयर किए हुए हैं, लेकिन आज जो हम फिश बना रहे हैं वो हम 6 किलो बना रहे हैं। जिनको आइडिया नहीं कि ज्यादा मछली का मसाला किस तरह बनता है, कितनी क्वांटिटी में बनता है, तो वो ये रेसिपी पूरी देखें, खास करके वो जिनका काम है फिश फ्राई करना या वो सेल करना चाहते हैं शॉप लगाकर, तो वो ये रेसिपी जरूर देखें कि फिश फ्राई कैसे बनती है और उसका मसाला किस क्वांटिटी में हम घर पर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर लिए मैंने 6 किलो फिश ली है, ये कांटे वाली मैंने ली है, चाहे तो यहाँ पर आप बोनलेस वाली भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मसाला हम रेडी करेंगे उसके लिए यहाँ धनिया लिया है मैंने, ये 2 कप धनिया होगा, 10 अदद लिए हरी मिर्चें, 20 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के, फ्रेश लहसुन लीजिएगा, पेस्ट मत लीजिएगा, लहसुन के जवे ही लीजिएगा। इसके अलावा 1/2 किलो लिया है मैंने दही, 1 कप लिया है बेसन का भर के, 4 टेबलस्पून लिया है मैंने नमक, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने जर्दे का रंग। जर्दे का रंग खूबसूरत के लिए होता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको जर्दे का रंग ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में लिया है मैंने 2 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लिया है चाट मसाला, गर्म मसाले का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। और इसे मजीद और अच्छा करने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेशनल का मछली मसाला, तो यहाँ पर 2 पैकेट लिए हैं मैंने मछली मसाले के। तो सबसे पहले हम हर धनिया की पेस्ट तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे इसकी पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा डाल देंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा, 1/2 कप के बराबर। तो देखें यहाँ पर पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक अलग से बाउल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे दही। दही के अंदर हम ऐड कर देंगे ये पेस्ट जो हमने बनाई थी, ये थिक सी बनेगी इस तरह का, कुछ टेक्सचर होगा इसका। और इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन, सारे मसाले ऐड कर देंगे, नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे हम जर्दा, जर्दा कलर के बाद हम इसमें डाल देंगे सारे स्पाइसेस और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हम मिक्स करेंगे, वैसे तो ये हमारा जो मछली का बैटर है वो अच्छा सा रेडी हो चुका है, लेकिन इसे हम मज़ीद और अच्छा करने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं नेशनल का फिश मसाला। एक पूरा हम पैकेट इसमें ऐड कर देंगे, इसी तरह ही हम दूसरा पैकेट भी इसमें ऐड कर देंगे और बस हम इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बैटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, मछली का जो मसाला है वो अच्छा से तैयार हो चुका है। बस अब हम एक फिश का पीस उठाएंगे इस तरह से और इसको अच्छी तरह से इसमें कोट कर लेंगे और हम साइड में रखते जाएंगे इस तरह से। और इसे हम पूरी रात रखेंगे, क्योंकि मैं इसे पूरी रात का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि फ़िश नम चीज़ें बहुत देर से अब्ज़ॉर्ब करती है। तो आप भी जब भी बनाएं तो इसे रात को ही मैरिनेट कीजिएगा, ताकि इसे मैरिनेशन के लिए अच्छा टाइम मिल जाए, तो आपकी भी फ़िश बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी, क्रिस्पी। जैसे बाहर की हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप जब खुद बनाएंगे तो बाहर से भी बहुत अच्छी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए सारा मसाला लग चुका है, सारे पीसेस भी लग चुका है, और जो मसाला बच गया है वो हम ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में ओवरनाइट के लिए, फ्रीजर में नहीं रख रही, फ्रिज में रख रही हूँ। लेकिन पहले 2 घंटे के लिए इसे आप बाहर ही छोड़ दीजिएगा, काउंटर पे, किचन काउंटर पे छोड़ दीजिएगा, ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो सकें। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए अभी काउंटर पे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद इसे उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो आप भी इसी तरह से ही कीजिएगा। तो देखिए मसाला लगने के बाद ये कुछ इस तरह की हो चुकी है, देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और कोटिंग के लिए यहाँ पर लिया है मैंने नॉर्मल मैदा, सिर्फ खुश्क मैदा लेना है और एक पीस उठाएंगे हम और इसे इस तरह से हम मैदे में कोट कर लेंगे बस, और इस तरह से एक्स्ट्रा जो मैदा है वो हम झाड़ लेंगे। और स्टार्ट में आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, वरना कोटिंग सारी निकल जाएगी। दूसरा भी पीस उठाएंगे इसी तरह से और कोट कर लेंगे, बस हल्की सी कोटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, बस इस तरह 10 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, तो देखिए 10 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करें, इतना क्रिस्पी सा कलर आया है इसके ऊपर, और जो कोटिंग थी उसकी वजह से आपका सारा मसाला जो है वो सिक्योर हो चुका है।
ठीक है, फिश हमारी क्रिस्पी सी फ्राई हो चुकी है, तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। 15 मिनट के अंदर ये अच्छी फ्राई हो चुकी है, अंदर से कच्ची भी नहीं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, तो बस हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी फ़िश फ्राई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बाहर जैसी, जिसके आप बाहर जाकर खाते हैं बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हुई है। और ये आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश लेकर सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक किया करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल न जाएँ। साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, गांव में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।